हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास टू के एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9, माय स्कूल, यानी कि मेरा स्कूल। तो चलिए बिना देरी किए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम रिया के भाई और उसकी मम्मी के बीच में एक कन्वर्सेशन हुई है, उसे हम पहले पढ़ेंगे। मम्मी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू रिया स्कूल। रिया का भाई बोल रहा है कि मम्मी, मेरा भी बहुत मन है रिया के स्कूल जाने का, मुझे भी रिया के स्कूल जाना है। देन उसकी मम्मी ने कहा, रोहन, यू आर टू यंग, यू विल गो टू प्ले स्कूल। फिर रिया की मम्मी ने कहा, रोहन, तुम अभी बहुत जवान हो, मतलब तुम अभी बहुत छोटे हो रिया के स्कूल जाने के लिए, तुम्हें अभी प्ले स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। रिया गोज़ टू अ प्राइमरी स्कूल। रिया प्राइमरी स्कूल में जाती है। यू कैन गो टू रियाज स्कूल व्हेन यू ग्रो अप। जब तुम बड़े हो जाना तब तुम रिया के स्कूल जा सकते हो। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न मेनी थिंग। स्कूल एक जगह होता है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पढ़ना, लिखना, गाना गाना और डांस करना। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्कूल्स। यहाँ पर बहुत ढेर सारे काइंड स्कूल होते हैं, जैसे प्री स्कूल। अभी प्राइमरी स्कूल में रिया पढ़ती है और यह प्री स्कूल। प्री स्कूल्स इंक्लूड प्ले स्कूल्स एंड किंडरगार्टन्स। प्री स्कूल्स जो होता है वो प्ले स्कूल्स होता है और किंडरगार्टन्स की तरह होता है। यंग चिल्ड्रंस गो टू देम टू लर्न थ्रू प्लेइंग। प्री स्कूल्स प्रिपेयर देम फॉर प्राइमरी स्कूल्स। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस स्कूल में जाके सीखते हैं खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब वो सीखते हैं इस स्कूल में। और जो प्री स्कूल होता है वो प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाने वाले होते हैं उन बच्चों को प्रिपेयर करता है प्री स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल, यानी कि स्कूल का मतलब स्कूल ही होता है। हिंदी में उसे विद्यालय बोलते हैं। प्राइमरी स्कूल्स इज फ्रॉम क्लासेस 1 to 5। जो प्राइमरी स्कूल होता है वो क्लास 1 से 5 तक होता है। मिडिल स्कूल इज फ्रॉम क्लासेस 6 to 8। और जो मिडिल स्कूल होता है वो क्लास 6 से 8 तक होता है। और सीनियर स्कूल जो होता है वो 9 से 12 तक होता है, सीनियर स्कूल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड मैनर्स इन स्कूल, यानी कि स्कूल में गुड मैनर्स कैसे, क्या क्या होते हैं और क्या क्या टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं गुड मैनर्स, और कैसे कैसे गुड मैनर्स हमें दूसरों के साथ पेश करने चाहिए, किस तरीके से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इन सभी को हम गुड मैनर्स बोलते हैं। आवर गुड मैनर्स शो दैट वी केयर फॉर अदर्स। हमारे गुड मैनर्स हमें क्या दिखाते हैं कि हम एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। लेट्स लर्न सम गुड मैनर्स वी शुड फॉलो इन स्कूल। चलो हम कुछ गुड मैनर्स सीखते हैं जो कि हमें स्कूल में फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट मेक नॉइज इन अ क्लास। कभी भी अपने क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट पिक अप एंड कीप थिंग्स बिलोंगिंग टू योर क्लासमेट्स। कभी भी अपने क्लासमेट की किसी भी चीज़ को उससे बिना पूछे कभी भी उठाना नहीं चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ को उसकी फेंकनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट बुली एनी चाइल्ड। किसी भी चाइल्ड से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन। हमेशा वेस्ट को, कचड़े को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ऑलवेज विश योर टीचर्स। हमेशा अपने टीचर्स को विश करना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे अगर कोई भी दिन की शुरुआत में आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, नून में आपको गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए और इवनिंग में आपको गुड इवनिंग बोलना चाहिए। लास्ट पॉइंट, बी पोलाइट टू एवरीवन इन स्कूल। हमेशा अपने स्कूल में सभी से अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए और हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब पोलाइट रहना चाहिए ताकि उसके प्रति आपके लिए सम्मान और बढ़े। हमारा लास्ट टॉपिक है सेलिब्रेटिंग टुगेदर, मतलब कि किसी भी त्यौहार को, किसी भी उत्सव को, किसी भी पर्व को एक साथ मनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सेलिब्रेट सम इम्पॉर्टेंट डेज इन स्कूल। हम स्कूल में कुछ इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन भी मनाते हैं। दीज आर एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे। द स्कूल ऑर्गेनाइजेस कंपटिशंस।
और इन इम्पॉर्टेंट डेज में से क्या कौन कौन से डेज आते हैं? एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं। और जो स्कूल होता है वो कंपटीशंस भी ऑर्गेनाइज़ करता है, क्विजेज भी ऑर्गेनाइज करता है, गेम्स भी ऑर्गेनाइज करता है, इन दिनों गेम्स भी ऑर्गेनाइज करता है, क्विजेज भी और कंपटीशंस भी। द टीचर्स एंड चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एंजॉय देमसेल्फ। और इन सब इम्पॉर्टेंट डेज के दिन जो टीचर्स होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऑन स्पोर्ट्स डे वी टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स डे के दिन हम स्पोर्ट्स डे के इवेंट में पार्ट लेते हैं। वी हैव मैनी म्यूजिक एंड डांस प्रोग्राम्स ऑन एनुअल डे। और एनुअल डे के दिन हम डांस करते हैं, गाना गाते हैं, किसी चीज़ की स्पीच देते हैं, कुछ एक दूसरे को अच्छा सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। और हम हर साल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वी ग्रीट एंड थैंक आवर टीचर्स ऑन दिस डे। हम अपने टीचर्स को थैंक्स बोलते हैं इस दिन, क्योंकि टीचर्स हमें कितना कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, हमें उस काबिल बनाते हैं कि हम बड़े होकर कुछ बन सकें, बड़े आदमी बन सकें। इसलिए इस दिन हम अपने टीचर्स को ग्रीट करते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं उनका और उन्हें थैंक्स कहते हैं। लास्ट पॉइंट है, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर। और हम 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, मतलब कि चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर। वी होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम ऑन दिस डे। और हम कुछ नेशनल फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, मतलब कि राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। और इस दिन, इन सारे दिन को हम अपना तिरंगा झंडा लहराते हैं और हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं, जन गण मन। ओके, सो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।